मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और गोरखपीठ के पीठाधीश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ योगी जी के नामांकन में दिल्ली से आए देश के शिक्षा मंत्री और चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को स्फूर्तिला बनाया है, पेज प्रमुख तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, आज हमारे सहयोगी दल के दोनों अध्यक्ष निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद जी, अपना दल से भाई आशीष पटेल जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जय प्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी और यहीं के विधायक जिन्होंने योगी जी को जिताने का संकल्प लिया है डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल जी, और आज योगी जी के नामांकन में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, और स्थान भी इतना पवित्र है, शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरखनाथ जी और कबीरदास, चारों की कर्मभूमि रही है गोरखपुर में। आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता,
यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 19 का चुनाव हुआ, 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो दो दो हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्तावित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए। और मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए, हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों मैं तो देश भर की सरकारों के काम का देखता हूं, ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है, वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर वन है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया।
उनको घर देने की योजना लाए, 82 लाख लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा, आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। और